तो दोस्तों, आए दिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चारधाम के रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन हरिद्वार से ही हमारे हो रहे हैं। भीड़ आप लोग यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे हरिद्वार के इस रेलवे स्टेशन में और माँ गंगा की हरिद्वार में। पूरी जानकारी जो है आगे वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो फाइनली जो वीडियो की शुरुआत होती है मेरी हरिद्वार से, आज हमारी 2 जून है, जहाँ चल रहे हैं कि चारधाम के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सड़क पर आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, अभी ये बस स्टैंड से आपका 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ऋषिकुल ग्राउंड है, जहाँ पे आप लोगों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चारधाम से चल रहे हैं। बाकी भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ जो है मैदान में इस तरह से दिख रही है। बाकी बिना देरी करे हुए मैं पहुँचता हूँ आगे टेंट में और दिखाता हूँ आप लोगों के किस तरह से जो है लोग जो हैं इतनी तेज़ धूप में आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है। धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव आप लोग देख सकते हैं, जो है हरिद्वार में गर्मी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और इस तरह से लोग जो हैं चारधाम के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बैठक के लिए भी जो छोटा सा स्पेस है वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है गर्मी से राहत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी सामने आप लोग यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से भीड़ जो है सामने दूर दूर तक लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और आप लोग भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए धक्का मुक्की लोगों के पास यहाँ पे चल रही है। लेकिन जो सिस्टम है अभी गवर्नमेंट के द्वारा, तो काफ़ी जो है पुलिस यहाँ पे फोर्स अच्छे तरीके से अपने काम यहाँ पे कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। बट लोगों की जो भीड़ है उस पर फिर भी काबू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं लाइन में नहीं लग के एकदम आगे पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ भीड़ आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मॉर्निंग के समय यहाँ पे आ सकते हैं 6-7 बजे, तभी आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 11-12 बजे के आसपास जो है यहाँ पे सारी टिकटें क्लोज हो जाती है। बाकी इतनी गर्मी है यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर लगानी पड़ रही है। और इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब मैं आपको लेके चला हूँ बस स्टैंड में। सामने आप लोग यहाँ पे बस देख सकते हैं, अभी जो है दिन के समय यहाँ पे 10:30 हो रहे हैं, तो एक ही जो है बस यहाँ पे अभी खड़ी है। बाकी सारी बसें जो है मॉर्निंग के समय ही यहाँ से निकल जाती हैं। और पास में ही आपका बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो है आपस में जो है 50 मीटर की दूरी पर ही है। लेकिन जो मॉर्निंग का समय रहता है वो इस तरह से यहाँ पे भीड़ आप लोग देख सकते हैं, जो वाइट बसें हमारी दूसरी साइड में पूरी लंबी लाइनें जो है मॉर्निंग में लगी यहाँ पे, इसी तरह से चारों धाम के लिए बसें यहाँ पे लगी रहती है। तो अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हो तो एक दिन पहले ही आपको यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तक जो है हर हाल में यहाँ से बस पकड़ लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपको बस स्टैंड के सामने हमारा गढ़वाल मोटर्स का ये ऑफिस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बुकिंग भी आप लोग यहाँ से बस की अपनी टिकट सीट बुक करवा सकते हैं। टाइमिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर, अलग अलग टाइमिंग पर जो है बसें यहाँ से चलती हैं। और इसी के साथ साथ ये प्यारा सा नज़ारा आप लोग यहाँ पे हरिद्वार बस स्टैंड का यहाँ पे अभी देख सकते हैं। और दिन की ये धूप के साथ साथ बढ़ती हुई गर्मी और इसके साथ और अब जो है नज़ारा आप हरिद्वार स्टेशन का यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी जो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का यहाँ पे स्टेशन से, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शुरुआत ही आप जैसे स्टेशन से उतरते हो तो महादेव के दर्शन आप लोगों को यहाँ पे होते हैं, और सामने ही आप लोग पीछे ये बैक साइड में महादेव की प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहीं से ही आके आप लोगों को जस्ट 50 मीटर की दूरी पर ही हमारा बस स्टैंड आप लोगों को मिल जाता है यहाँ से। इसके साथ ही साथ आप यात्रियों की आवाजाही यहाँ पे देख सकते हैं, यात्री जो हैं धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे चारधाम के रजिस्ट्रेशन है अभी फ़िलहाल के लिए बंद हुए थे, जो कि 1 जून से आप लोगों के ओपन हुए हैं। और ये प्यारा सा नज़ारा आप हरिद्वार स्टेशन का यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही यहाँ पे बनी हुई है। नॉर्मली आप स्टेशन से जैसे ही बाहर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑटो या बैटरी रिक्शा ही सीधा हर की पैड़ी के लिए मिल जाएगा। दिन के समय के धूप आप लोग यहाँ हरिद्वार में देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ धूप के साथ गर्मी भी जो है हरिद्वार में लगातार बढ़ी रही है दोस्तों। और अभी जो स्टेशन की मैं बात करूं, यहाँ पे भीड़ इतनी आवाजाही नहीं है, बट आगे अब अभी मैं आप लोगों को हर की पैड़ी लेके यहाँ से जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ हर की पैड़ी में क्या दृश्य रहेगा, भीड़ कितनी है वहाँ पे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में।
बाकी हर की पैड़ी से पहुंचने से पहले ही आपको माँ मनसा देवी का ये यहाँ पे प्रवेश द्वार इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। गर्मी के साथ साथ लोगों की भक्ति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से लोगों की यहाँ पे भी जो है लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं, और भक्तगण जो है माँ गंगा में हर की पेड़ में स्नान करने के बाद ही जो है मनसा देवी या चंडी देवी के लिए यहाँ से प्रस्थान जो है लोग करते हैं, जो कि मान्यता एक मानी भी जाती है यहाँ से। और ये सुंदर सा खूबसूरत नज़ारा आप हरिद्वार का ये मार्केटों में इस तरह से सजावट आप लोग देख सकते हैं, जहां आपको पूजा से रिलेटेड हर सामग्री जो है मार्केटों में यहां मिल जाएगी। और इसी तरह से आप लोग यहां पे देख सकते हैं भीड़ आवाज आने लगी, आप लोग अभी देख सकते हैं मैं पहुंच ही चुका हूं हर की पेड़ का ये नज़ारा, और यहां पे भीड़ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है भीड़ है श्रद्धालुओं की यहां पे। कि ये नज़ारा जो है फाइनली आप लोग हरिद्वार हर की पैड़ी का यहाँ पे देख सकते हैं। आए दिन दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार में इसी तरह की जो है भीड़ होने वाली है। बाकी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन में लाइन लोग काफ़ी लाइनों में लगे हुए हैं, ये कि हरिद्वार का हर की पैड़ी के पास ही आप मेन मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है लोगों की काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगी हुई है, और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना यहाँ पर बना हुआ है। बाकी सामने ये हर की पैड़ी का नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मुख्य मंदिर है हमारा यहाँ पे। इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी लोगों की भक्ति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से लोगों का यहाँ पे बिल्कुल एकदम जन सैलाब आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे गंगा घाट के दोनों तरफ काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भरे हुए हैं, और गर्मी के साथ साथ जो है माँ गंगा का ये पावन तट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हरिद्वार हर की पैड़ी पर। के साथ ही आप गंगा स्नान के बाद सामने की पहाड़ी पे आप लोग माँ मनसा देवी का ये प्यारा सा मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक धार्मिक स्थल भी यहाँ पे रहता है, तो यहाँ भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो दूसरे तो जो मंदिर है हमारा माँ चंडी देवी का, तो वो भी सामने वाली पहाड़ी पर वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं, जो कि हमारी हरिद्वार हर की पैड़ से काफ़ी नज़दीक जो है दोनों मंदिर है यहाँ पर। और आपके लिए जो है यहाँ उड़न खटोले की व्यवस्था भी रहती है। बाकी आप लोगों को मैं फुल वीडियो जो है माँ मनसा देवी और चंडी देवी की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नदी के ऊपर मैं भी यहाँ पे पुल पे खड़ा हूँ, तो ठंडी हवाओं के साथ साथ आप किस तरह से हरिद्वार में जो है यहाँ पे भीड़ जो है लोगों की बनी हुई है यहाँ पे, और माँ गंगा का ये पावन जल आप लोग दे सकते हैं हरिद्वार महादेव की नगरी से। और ये सामने क्लॉक टावर भी हमारा, काफ़ी भीड़ जो है लोगों की आज यहाँ वीकेंड में ज़्यादातर भीड़ इसी तरह से लगी रहती है दोस्तों। और सामने ये हर की पैड़ी का नज़ारा पूरा आए दिन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसी तरह से जो है भीड़ यहाँ पे लगी रहेगी हरिद्वार हर की पैड़ी के पास, और लोगों की आप संख्या यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और सामने ये माँ गंगा का प्यारा सा नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों की भारी मात्रा में यहाँ पे आवागमन जो है लगा हुआ है दोस्तों, और सामने आप ये ब्रह्मकुंड हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं कि हरिद्वार हर की पेड़ पे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों देवताओं का वास, अगर धरती पर कहीं है तो सिर्फ यही हरिद्वार हर की पेड़ पे है। सामने आप ब्रह्मकुंड हमारा देख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का जो है निवास यहाँ पे हरिद्वार में हर की पेड़ पे रहता है। बाकी दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ माँ गंगा दर्शन की वीडियो, बाकी आगे भी जो है इसी तरह की अपडेट जो है आप लोगों को हरिद्वार के लिए हरिद्वार की मैं देता रहूँगा, और इस समय ये नज़ारा आप लोग दे सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आए दिन अभी मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में कि जब भी आप हरिद्वार हर की पैड़ी आते हो तो सफाई की व्यवस्था जो है हम लोगों को खुद ही देखनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खुद भी जो है सफाई की यहाँ पे व्यवस्था रखें।
बाकी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं और किस तरह से जो है गंदगी यहाँ पे पन्नियाँ जो है रहती है। तो ये हम लोगों का एक होना चाहिए कि जब हम लोग माँ गंगा के इस पावन तट पर हरिद्वार हर की पैड़ी पे आते हैं तो जो भी पन्नी हम अपने साथ लेके आते हैं उसे या तो किसी कूड़े में रख दें, खुले में इधर उधर ना छोड़े। तो काफ़ी रहती है यहाँ पे संख्या श्रद्धालुओं की और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे पन्नियाँ इसी तरह से यहाँ पे छोड़ दी है। तो सभी से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है। बाकी बढ़ती गर्मी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आए जो है कुछ दिन आपको इसी तरह की भीड़ जो है हरिद्वार हर की पैड़ी पे मिलने वाली है। ये मेन दृश्य आप हरिद्वार हर की पैड़ी से यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी मात्रा में जो है श्रद्धालु यहाँ पे बने हुए हैं। तो आए दिन आप हर की पैड़ी पे कहीं भी आ जाओ तो आपको हर घाट पे जो है इसी तरह की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं अभी हर की पैड़ी का बैक साइड का एरिया है।